सो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। मेरे पीछे है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, झारखंड में। झारखंड गया रहा हूँ रेवल में। गांव का नाम मुझे पता नहीं है, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। 13 किलोमीटर में उल्टा चला गया था क्योंकि जो कट था वो दिखा नहीं और मेन हाईवे पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए इवन यहाँ पे कई स्पॉट्स पर नेटवर्क नहीं था। तो गूगल ने रीराउटिंग ऑप्शन आते ही वो पीछे से उसकी टिप्पणी ख़त्म हो जाती है फिर। और थोड़ा सा एरिए के बारे में बता दूँ, जो अंदर ये जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं ना, ये बाइक्स वगैरह खड़ी हैं, ये गली को इन्होंने बंद कर दिया है और पीछे जो है पार्किंग बना रखी है। पार्किंग भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो बाइक के टेंडर ले रहे हैं, गाड़ी और बसों का मुझे पता नहीं, वो जब आप आओ तो पता कर लेना। और इसके अलावा मोबाइल जो है मंदिर प्रेमिसेस के अंदर ही अलाउड नहीं है, तो यहाँ लॉकर सिस्टम बने हुए हैं जिनको मोबाइल रखना है, और बाकी वॉलेट वगैरह सब अलाउड है। ये लेदर के ग्लव्स तक अलाउड हैं, बस मोबाइल अलाउड नहीं है। ये जैसे आप देख रहे हो रोड है, तो इसको भी इन्होंने बंद कर रखा है, इसको मिनी अयोध्या बना रखा है यहाँ पर। और जब आप मंदिर के मेन जहाँ पे ज्योतिर्लिंग सिचुएटेड है वहाँ पे एंटर करते हो, तो जेंट्स को अपने जो अपर बॉडी के कपड़े हैं वो उतारने हैं। अंदर जो पंडित जी बैठे हैं वो भी अपर बॉडी के कपड़े उतार रखे हैं उन्होंने, तो वो आप हाथ में ले जा सकते हो। और आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसे दर्शन हो गए फटाफट। तो जो मंदिर के अंदर एंट्री के हैं जितने भी वो रास्ते, वो सारे बंद कर रखे हैं, पाइप वाइप लगा रखे हैं। अब मैं अगर इस डिटेल में जाऊंगा तो कि ऐसा क्यों कर रखा है, तो मैं यहाँ पे आने का जो एक स्पिरिट है वो खो दूंगा। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे पाइप लगा रखा है यहाँ पे, ये जो टेम्प्रेरी बना रखी है ये। अब जो बाइक्स ऑलरेडी अंदर हैं वो भी अंदर गई हैं, बट ये टेम्प्रेरी पाइपिंग वगैरह कर रखी है। और ये जो गली है इसके ऊपर वही राइट लेफ्ट बैठे हुए बंदे दुकान दुकून लेके। गूगल मैप्स में जो मंदिर की लोकेशन दिखा रहा है वो लोकेशन से 3 किलोमीटर और अंदर है, मेन हाईवे पे वो दिखा रहा है मुड़ते ही, बट ऐसा नहीं है। खुद मैं पूछते पूछाते आया हूँ, जितना पुराना मंदिर है उतना ही पुराना है इसका बोर्ड। तो क्योंकि ये काफी दूर पड़ गया तो इसलिए किसी का ध्यान गया नहीं यहाँ पे। पार्किंग वाला आ जाए एक बार, उसको मैं पैसे दे दूँ, वो भटक रहा था उसकी आत्मा। तो ये मेरे पीछे पार्किंग है। पार्किंग क्या, खाली मैदान का पार्किंग है, पता ही है आपको। आप बचपन लड़का कहाँ है दूसरा? नहीं, मेरे को भेजो, उसने वो काम कर रहा है, पैसे दीजिए। तो यही है, और ये टू व्हीलर पार्किंग है ये, और ये पीछे जो काम हो रहा है वो हो रहा है। तो बस भगवान भरोसे चल रही सारी सृष्टि और ये जगह भी। और अब वापसी का है, कई जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, औरंगा नासिक हाईवे पे भी कंस्ट्रक्शन है। एक मिनट, पैसे ले आए। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये गूगल आंटी के बताए हुए रास्ते से ना जाऊँ, अहमदाबाद नासिक हाईवे पकड़ूँ, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन जितने ये गड्ढे गुड्ढे मिले थे, और वो खासकर वो स्ट्रेच जहाँ पर व्यूअर्स को बोनस क्लिप मिली थी, मैं उस स्ट्रेच से बच जाऊँगा। सो मोस्ट प्रोबेबली कुछ किलोमीटर्स फालतू हो जाएंगे, बट बाइक और मैं सलामत रहेंगे।
इवन यहाँ पर शायद दही की कमी इसलिए नहीं होती, मक्खन की सॉरी, कि दही लेकर ये लोग उस स्ट्रेच पे ले जाते हैं और वहाँ के गड्ढे और स्पीड ब्रेकर तो क्या पत्थर इतना हिलाते हैं दही को कि वो मक्खन बन जाता स्ट्रेच के एंड तक। एक्चुअली इट वॉज अ क्वाइट अ लेम जोक बट स्टिल इतनी हिलाव डुलाव होता है उस स्ट्रेच पर। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ नाश्ता वास्ता करूँ, लेकिन उस स्ट्रेच पर जितनी बॉडी हिलती है थोड़ा सा डर लग रहा है। सो व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड।